जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने किसानों को बीज वितरित किए। गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग में उत्तर प्रदेश के एकांकी बागवानी मिशन योजना अंतर्गत चयनित किसानों को बीज वितरित किए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को चयनित किया गया। बीज वितरित के लिए मेरठ के 12 ब्लॉकों से 45 किसानों को चयनित किया गया और पहले आओ पहले पाओ के तहत किसानों को बीज वितरण का कार्यक्रम हुआ। ये स्कीम्स तो बहुत सारी हैं। मैं पहले अपनी सरकार का और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो किसानों के बारे में सोच रही है। और जैसे कि अभी अधिकारी महोदय ने बताया कि पिछली सरकारों में और इस सरकारों में क्या अंतर है और किस तरीके से हम किसानों की मदद कर रहे हैं। जी, बस दिक्कत थोड़ी सी जो मेरे को समझ में आई हुई है कि अवेयरनेस थोड़ी कम है। किसान को पता नहीं कहाँ जाएँ और कहाँ अपनी बात रखें, तो उसी के लिए मैं अधिकारी महोदय से भी कहूँगा कि वो किसानों को जागरूक करें कि वो रजिस्ट्रेशन कराएँ। इन लोगों ने तो करवा लिया पर और भी हम किसानों के बीच में पहुँचे, क्योंकि सरकार बहुत कुछ दे रही है, किसानों को वो पहुँचना भी चाहिए। और इतनी सुविधाएं मैं नहीं मानता कि पहले कभी मिली। और खाद के मामले में जिस प्रकार से खाद दिया जा रहा है, सब्सिडीज दी जा रही है, आने वाली हमारी फसलों को बचाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो पानी को सेविंग करने के लिए है, मिट्टी को सेविंग करने के लिए है, तो किसानों का बहुत हित ये सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि डबल इंजन की सरकार जो हम बोलते थे उसका उदाहरण देखने को मिलता है। कुछ राज्य सरकार कर रही है, साइड में मतलब सारी सुविधाएं सीधे के सीधे किसानों। इस मौके पर जिला उद्यान अधिकारी गंपाल सिंह ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एकांकी बागवानी मिशन के तहत किसानों के NHID से मांगा गया मुफ्त बीज वितरण किए गए हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और एकीकृत बागवानी मिशन जो हमारी चली उसके अंतर्गत हमारे जनपद में 45 हेक्टर का लक्ष्य था, उसके अंतर्गत हमने इसे दिया। सागबाजी बीज में 20,000 रुपये प्रति हेक्टर का अनुदान का प्रावधान है और प्याज पर हमारा जी 12,000 रुपये प्रति हेक्टर का अनुदान है। तो NHRD जो भारत सरकार की एक संस्था है उनसे बीज उपलब्ध मंगा कर हमने जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, किससे कोई चार्जिंग नहीं दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर हमने बीजों का चयन उनका कृषकों का चयन करके आज माननीय अध्यक्ष महोदय जी के कार्यक्रम द्वारा वितरण करना। ऑर्गेनिक बीज